झारखंड विधानसभा चुनावों को लेकर 81 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। यहां मुख्य मुकाबला जेएमएम और बीजेपी के बीच है। झारखंड विधानसभा में किसका राज होगा, ये तस्वीर तो दोपहर के बाद पूरी तरह साफ हो जाएगी, लेकिन फिलहाल सामने आ रहे रुझानों में दोनों ही पार्टी एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर देती नजर आ रही है। ऐसे में अभी कई सीटों पर वोटों की गिनती जारी है और यहाँ बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। दरअसल झारखंड में मुख्य मुकाबला हेमंत सोरेन की जेएमएम और बीजेपी के बीच है। झारखंड गठबंधन के बाद 2005 से 2019 तक हुए 4 विधानसभा चुनावों के परिणामों पर नजर डालें तो कई सीटों पर बेहद रोमांचक मुकाबले हुए हैं। झारखंड में सबसे छोटी जीत 25 वोटों के अंतर से हुई थी, वहीं जीत हार का सबसे बड़ा मार्जिन 72,643 वोटों का रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड विधानसभा का ये चुनावी रिकॉर्ड टूटेगा या फिर नहीं। वहीं एग्जिट पोल की बात करें तो मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को झारखंड में 27 से 42 सीटें तो वहीं इंडिया गठबंधन को 25 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। टूडेज चाणक्य की बात करें तो एनडीए गठबंधन को 45 से 50 और इंडिया गठबंधन को 35 से 38 सीटें मिलने का अनुमान है। एक्सिस माई इंडिया की बात करें तो एनडीए गठबंधन को 25 और इंडिया गठबंधन को 53 सीटें मिल सकती हैं। पीपल्स पल्स की बात करें तो एनडीए गठबंधन को 44 से 53 और इंडिया गठबंधन को 25 से 37 सीटें मिलने का अनुमान है। जेबीसी की बात करें तो एनडीए गठबंधन को 40 से 44 और इंडिया गठबंधन को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है। सी वोटर की बात करें तो एनडीए गठबंधन को 36 तो इंडिया गठबंधन को 26 और 20 सीटों पर कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। तमाम एजेंसियों और चैनलों की ओर से दिखाए गए एग्जिट पोल के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावा किया कि झारखंड में जेएमएम और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। बता दें कि झारखंड एनडीए गठबंधन में बीजेपी, जेडीयू, आजसू पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास शामिल हैं। इंडिया गठबंधन में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और भाकपा माले जैसे सियासी दल शामिल हैं। प्रदेश की सभी 81 विधानसभा सीटों पर कुल 1211 उम्मीदवारों का भाग्य दांव पर है। बता दें कि झारखंड में चल रहे चुनाव में कई सीटों पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। वहीं चुनाव में कई मुख्यमंत्री और उनके रिश्तेदारों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। जेएमएम से सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और भाई बसंत सोरेन चुनावी दंगल में हैं। वहीं हेमंत की भाभी सीता सोरेन बीजेपी से मैदान में हैं। इसी तरह बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की किस्मत भी ईवीएम में कैद है। वहीं पूर्व सीएम और वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा और पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा भी किस्मत आजमा रही हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।